हेलो नमस्कार साथियों, मैं मनीष यादव एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। आज हम लोग पेपर सॉल्यूशन लेके आए हैं, गणित का पेपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर। और बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने पेपर को इस तरीके से हल किया है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लगा पाया है, मेरा आंसर ये आया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो गणित की कॉपी होती है वो कैसे चेक होती है, क्या स्ट्रैप मार्किंग में हमें मार्क्स मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं, हमने क्वेश्चन पूरा किया है, आंसर नहीं लिख पाए हैं, तो क्या हमें दो नंबर के क्वेश्चन में अंक मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हम इस वीडियो को बहुत छोटा सा बनाएंगे, केवल आपको हम आंसर बताएंगे, क्योंकि आप लोग इस समय बड़ी जल्दबाजी में हैं और आपको ऐसा चाहिए कि हमने कितने क्वेश्चन सही किए, आप टोटल अपने मार्क्स करने के विचार में हैं। फिलहाल ज़्यादा समय ना लगाते हुए देखो, क्वेश्चन नंबर जो आपका पहला है, इस पहले क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.24। क्या हो जाएगा? 0.24। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 24% कितना है, 96 है, तो ये आपका हो जाएगा 400। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन, त्रियक रेखा के एक ओर के अंताकोण जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं आपके संपूरक, है ना। क्वेश्चन नंबर चार, की संख्या में तीन का स्थानीयमान सबसे कम है, तो ये किसका कम है, 143 इसका कम है। क्वेश्चन नंबर पाँच, पाँच का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक। अब जरा हमें ये बताइए, पाँच में से कितने ऑब्जेक्टिव आपके सही हैं। देखो, अगर आप लोगों ने इसके बाद के क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरीके से नहीं कर पाए हैं, मतलब हमने किए हैं लेकिन हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, अगर आपके पाँच में से पाँच सही हैं तो आप ये मान के चलिए आपके बैक लगने के चांसेस बहुत कम हैं। चार भी हैं तो भी आपके ठीक हैं, लेकिन अगर आपके दो सही हैं एक सही है, तो मान लीजिए अगर आपने अंदर नहीं कर पाया पेपर तो फिर स्थिति आपकी ख़राब हो सकती है, अगर आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर छः, रेखागण किसे कहते हैं, इसके बाद ये क्वेश्चंस थे, तो कुल 11 तक हम आपको क्वेश्चंस बता रहे हैं, इतने में आप पास हो जाएंगे, पास लाइक तो आपका हो जाएगा। बाकी ये भी क्वेश्चंस थे, आप लोग अगर अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, अच्छी तरीके से अगर आपने मैथ्स को लगाया होगा तो आप लोग कर सकते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर छः क्या है कि रेखागण पूछा गया है कि एक ऐसी रेखा, कैसी रेखा जिसके दोनों अंताबिंदु निर्धारित हों, उसे क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं, है ना। और इसके बाद देखो जरा, रेखा के कटे भाग को रेखाखंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सात, देखो क्वेश्चन इसमें क्या दिया गया था, इसको सॉल्व करना था, इसका मान निकालना था, -8 × +0.75 × 0। तो इसका मान क्या निकला है, इसका मान आपका 0 निकला है, क्योंकि अगर आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। तो अगर आपका 0 आंसर आया तो आपको मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या था, 8 में क्या दिया गया था, मोहन एक माला बनाने में 1/3 मिनट का समय लेता है, लगातार 1 घंटे को कितनी माला बना लेगा, तो इसका जो सही जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कितनी माला बनाएगा, 180 माला बनाएगा। कितनी बनाएगा, 1 मिनट में 3 माला, 60 मिनट में 3 × 60, तो आपका कितना हो जाएगा, 180 माला बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा था, 10 में पूछा था, 9 में पूछा था, पट्टी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण आप लोगों ने बना ही लिया होगा, इस तरीके से कुछ आपका बना होगा, अगर आपको रचना लिखनी थी तो आप रचना भी लिख सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की उत्तरवर्ती, तो देखो 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। उत्तरवर्ती संख्या में आप +1 कर देंगे, क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने ये भी क्वेश्चन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा था, 117 के दो संख्याओं को गुणा करने के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका एक संख्या कितनी है, 13 है। तो 11 नंबर क्वेश्चन को आपने इस तरीके से हल किया, 117 = 13 × 9, ठीक है ना। इसमें क्या पूछा था, इसमें आपसे पूछा था जिसमें एक संख्या 13 हो, गुणा के रूप में आपको व्यक्त करना था, इसमें एक संख्या, इसमें क्या आ गई, इसमें एक संख्या देखो ये 13 है ना, यहाँ पर 117 आ गया। तो यहाँ तक तो आपने कर लिया होगा, उम्मीद है कि ये पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा। इसके बाद भी और भी क्वेश्चंस हैं तो इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से अपने क्वेश्चंस को टैली कर सकते हैं। अब एक चीज़ आती है इसमें, स्टेप मार्किंग कैसे होती है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, आपने यहाँ तक कर लिया है, यहाँ तक आप आ गए, इसके बाद नहीं कर पा रहे, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 नंबर मिलेगा ही मिलेगा। मैथ्स में आपको स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं, जो लोग पेपर करके आए हैं पूरा क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं तो उनको नंबर मिलेगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ और, जो पेपर आपका हो जाता है उसके लिए मत रोया करिए, है ना, अगले पेपर भी आप उसकी वजह से ख़राब कर लेते हो, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी अपनी करनी ही करनी है, ठीक है ना।
बाकी इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, वहाँ से आप इसको मिला लीजिएगा। बाकी जो लोग अगले सेमेस्टर की तैयारी करना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जो लोग जुड़ना चाहें तो मैसेज करके जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। पुनः आपसे वीडियो की किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ बने रहिए चैनल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।